हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम स्कंधा एक अध्याय 11 श्लोक नंबर 4 और 5। तत्रोपनीत बलयो रविर्दीपामि वाद्रितः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखः प्रोचुर् हर्षगद्गदया गिरा पितारं सर्वसुहृदम् अवितारामि वर्भकः तत्रोपनीत बलयो रविर्दीपामि वद्रितः आत्मरामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखः प्रोचुः हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारामि वर्भकः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सारे नागरिक अपने अपने भेंटे लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को सारे भेंट अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटे सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमय भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ही हमें सब कुछ देने वाले हैं। हमारे पास जो ये शरीर है, जो मन है, जो बुद्धि है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जो धन है, जो परिवार है, सब कुछ तो कृष्ण को दिया हुआ है। इसीलिए सभी का उपयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए। द्वारकावासी इसका एग्जाम्पल सेट करते हैं। वैसे तो कृष्ण को कोई भी उपहार देना सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। जो सूर्य है वो सबको रोशनी प्रदान करते हैं। उनको अगर दीप दिखाते हैं तो दीप का क्या रोशनी होता है, लेकिन फिर भी सूर्य देवता उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसी विधि से पूजा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हमें सब कुछ दिया है। तो कुछ लोग कहते हैं, अरे भगवान का ही तो दिया हुआ है, उनके पास क्या कमी है, हमें उनको देने की क्या ज़रूरत है। कृष्ण हमसे नहीं चाहते हैं कि हम उनको कुछ देंगे या हमारी वजह से उनको जो है कुछ लाभ होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। बस कृष्ण ये चाहते हैं कि हम जो हमारा ओरिजिनल घर है वैकुंठ जगत में वापस चले जाए। तो भगवान क्योंकि सबके पिता है और द्वारकावासी ऐसे ही आह्लादपूर्ण शब्दों से कृष्ण का स्वागत कर रहे थे, जैसे कोई पिता का स्वागत करते हो। तो इसलिए हमारे पास जो भी है सबका समर्पण कृष्ण के प्रति करना चाहिए। इसी को कृष्ण भावना कहते हैं, सब कुछ कृष्ण से जोड़ देना। कृष्ण को ही हमारा, अगर हमने अपना सैलरी पाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 50,000 का सैलरी का चेक आया और आपने उस चेक को ले जाके मंदिर में कृष्ण के चरण में रख दिया, कृष्ण ये आपकी है प्लीज़ ग्रहण करें, तो कृष्ण का सैलरी चेक लेके भाग जाने वाले हैं? नहीं। लेकिन जो समर्पण का भाव है वो भावग्रही जनार्दन है, वो हमारे भाव को स्वीकार करते हैं और इससे हमें उनकी कृपा प्राप्त होता है। परम भगवान को यहाँ पर आत्माराम कहा गया है। वे आत्मनिर्भर है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। उन्हें अपने से आगे अन्यत्र सुख खोजने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमें ज़रूरत है। हमें कोई व्यक्ति गलत ढंग से बोल देंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, तारीफें करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, तो सुख खोजना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना लॉकडाउन का टाइम था, कुछ लोग अकेले ही घर में थे तो इससे डिप्रेशन आता है। लेकिन भगवान आत्मनिर्भर है, आत्मा राम है, संसार की उत्पत्ति के से पहले वही अकेले थे, कोई डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है। भगवान क्योंकि आत्माराम, आत्माराम मतलब जो आत्मा में ही तुष्टि ढूंढ सकते हैं,
लेकिन हमारे केस में हमें दूसरों में ढूंढना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर हम भी आत्माराम बनना चाहते हैं तो हमें कृष्ण के शरणागत होना पड़ेगा। भगवान सर्व आनंदमय है, शाश्वत है, सब कुछ जानने वाले हैं, तो उनको तो कोई भेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम भगवान को भेंट अर्पित करते हैं, इससे हमारा ही कल्याण होता है। भगवान को ऐसा नहीं कि कोई वस्तु की अभाव है, आवश्यकता है। उपनिषद में भी इस बात का वर्णन किया गया है, भागवत गीता में भी वर्णन किया गया है। भगवान पूर्ण है, उनको कोई अभाव नहीं है। हमारे में अभाव है, किसी के पास धन नहीं है तो किसी के पास अच्छा हेल्थ नहीं है, किसी के पास सौंदर्य नहीं है तो किसी के पास त्याग करने की प्रवृत्ति नहीं है। सब गुण नहीं है, सब ऑपुलेंसेस नहीं है, लेकिन भगवान के पास सब कुछ है। सब कुछ उन्हीं के द्वारा सृष्ट हुआ है। यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्यदेव की पूजा हेतु दीपदान जैसी है। तो सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला कुछ मांगते हैं देवता से, तो उसके लिए वो दीप दिखाते हैं। तो लेकिन भगवान की भक्ति में दोनों ओर से ही कोई मांग किए जाने का प्रश्न नहीं है। ना भक्त भगवान से कोई भौतिक वस्तु मांगते हैं, ना भगवान कुछ भक्त से मांगते हैं। ये तो प्रेम है, जैसे माता पुत्र से प्रेम करती है निस्वार्थ भावना से। पुत्र बड़ा होके क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सोचते हुए प्यार कम नहीं करती है। या ऐसे सोचने ने आजकल कहाँ पुत्र लाखोटी बनते हैं बुढ़ापे में, तो इसलिए इसको मुझे ज़्यादा प्यार नहीं देना, वो नेचुरल है। तो ऐसे ही भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम है वो स्वाभाविक है। भगवान सभी जीवों के परम पिता है, अतएव जो लोग भगवान के साथ इस जीवंत संबंध से अवगत है वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं। और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो भगवान कल्प वृक्ष के तुल्य है, कोई उनसे कुछ मांगते हैं तो भगवान दे भी देते हैं। कोई तो बहुत सारा सामान मांगते हैं, जैसे कोई पुत्र ऐसे हो सकते हैं कि पेरेंट्स से हमेशा कोई ऐसा मेटेरियल चीज़ें मांगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरा बर्थडे में एक गिफ्ट नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, या आपने मुझे, उनके पिता ने उनको कार दिया है, आपने मुझे कार नहीं दिया, या आपने अपने अब तक प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं किया, एक्सेट्रा। ये मेटेरियल चीज़ें मांगना हुआ। और दूसरा है, इसे तो भौतिक जगत में सब मेटेरियल है, लेकिन दूसरा ऐसा हो सकता है, दूसरा पुत्र ऐसा है कि बस प्यार ही अनाफ है। जैसे पिता कहे कि आपको क्या चाहिए, आप आ रहे हो तो घर में आपके लिए क्या बंदोबस्त करके रखें, तो बच्चा बोलेगा नहीं, आपका स्माइल चाहिए, आपकी खुशी चाहिए। तो आप सोचिए, एक पिता का दो पुत्र है, एक पुत्र हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करता रहता है या कुछ मांगता रहता है भौतिक चीज़ें, और दूसरा पुत्र बस पिता की खुशी चाहता है, स्माइल चाहता है, पिता को प्रसन्न रखना चाहता है। तो इन दोनों पुत्र में से एक पिता किसको अधिक प्रेम करता है? हालांकि भगवान सबके लिए इक्वल है, लेकिन नेचुरली जो भक्त होते हैं वो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहते। ये प्रेम का रिश्ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो पिता है तो कुछ लोग मांगते भी हैं और भगवान पूरा भी करते हैं। लेकिन परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्त को कोई भी ऐसा वस्तु नहीं देते जिससे भगवान तक पहुंचने में बाधा हो। कई लोग बहुत सिंसियर है, वो भगवान से ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि मेरी अगर भक्ति में बाधा है तो मुझे अर्पण मत करना। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान आप अपने जगह रहो, हम अपने जगह, पर मुझे मेरा पूरा फैसिलिटीज चाहिए, मुझे भौतिक चीज़ें चाहिए, आप नहीं चाहिए, लाइक दैट। ऐसा एटीट्यूड मुँह से बोलते नहीं हैं, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए इतना सिंसियर नहीं होते हैं सब लोग। लेकिन फिर भी अगर कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए भी कोई भगवान के पास जा रहे हैं, जैसे कृष्ण बोलते हैं चार प्रकार के भाग्यवान व्यक्ति उनके पास आते हैं, जो दुख में पड़कर आते हैं, या कोई धन की प्राप्ति करने के लिए आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कोई जिज्ञासा के लिए और कोई ज्ञान के कारण, फिर भी ये लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि किसी और के पास हाथ फैलाने नहीं गया है, कृष्ण के पास आए हैं। भले उनको धन चाहिए तो क्या करते हैं, फिर भगवान उनको उनकी इच्छा भी पूर्ति करते हैं। और धीरे धीरे वो क्या होता है, भले ही वो पहले शुद्ध भक्त नहीं होते, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति करने लगने से वो भक्त बन जाते हैं, शुद्ध भक्त।
जो लोग भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे हैं वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। तो ये उन्नति एक ही दिन में नहीं होगा। हम सोचे अरे मेरे दिल में भी तो मांगे हैं, इसका मतलब मैं क्या करूँ, फिर ये वो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे दिल में अभी मांग है, अभी भौतिक इच्छाएं हैं, तो हम भक्ति में लगे रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। कृष्ण की कृपा से ही तो जाएगा ना, और हम भी प्रयास करेंगे, चला जाएगा। समय के साथ होगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है भक्ति। तो हमें धैर्य धारण करके प्रयास करते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 6, नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम वीरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणं क्षेममिहेच्छतां परं नयत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारु कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित है। आप उन लोगों के परम आश्रय है जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो नागरिक भगवान के ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। जब हम भगवान से मिलते हैं या भक्तों से भी मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो भगवान को ग्लोरीफाई करना एक वैष्णव सदाचार है। तो हम देखते हैं कि अर्जुन भी जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, फिर भी उन्होंने ये सदाचार नहीं भूला, कृष्ण का ग्लोरीफाई किया, ग्लोरीफाई मीन्स कृष्ण का गुणानुकीर्तन किया, फिर अपना बात रखा। तो नागरिक जो द्वारकावासी है उन्होंने पहले भगवान का गुणानुकीर्तन किया कि आप जो ब्रह्मा, चार कुमार, स्वर्ग के समस्त देवताओं के द्वारा पूजित है, आप उन लोगों के भी परम आश्रय है और सभी के आश्रय है, सभी जीवों के आश्रय है। आप परम दिव्य भगवान हैं और जो काल है वो आप पर प्रभाव नहीं दिखा सकता, क्योंकि काल भी भगवान के ही अधीन है। तो भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक साहित्य में इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। ऐसा नहीं है कि अच्छा आप कृष्ण को पूजा करते तो आप भगवान कृष्ण को मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र का ये वो है, निचोड़ है, शास्त्र में बताया गया है, प्रमाण है ये। ना तो कोई कृष्ण के समान है ना ही उनसे बढ़कर है, और यही सारे शास्त्र का निर्णय है। सारे जीव जो परमेश्वर के अंश स्वरूप है और उन पर आश्रित है, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम पैदा हुए थे, अब हम बड़े हो गए और फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये सत्य तो हम झुठला ही नहीं सकते हैं। किसी के पास जो मृत्यु है, इनविटेशन दिए बिना आते हैं, अकस्मात हमको पता ही नहीं चलता, अच्छा वो फलाना फलाना जो व्यक्ति है उनका देहांत हो गया, ऐसे हम सुनते हैं ना, अक्सर सुनते हैं। लेकिन कई लोगों के पास जो है मृत्यु बोल कर भी आते हैं कि इनको ये बीमारी हुई है, वो इतना हफ्ता जियेंगे, इतना महीना जियेंगे, ऐसा। जैसे हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज के पास मृत्यु जैसे एक इनविटेशन देकर आए थे कि एक हफ्ता है आपके पास समय, तो उन्होंने तैयारी कर पाए। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर ऐसे अकस्मात, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं उन लोगों के बारे में कि डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके पास से 3 महीना है या 2 साल है या 1 महीना है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे कितना अनलकी पर्सन है ये, मतलब ऐसा बोल दिया डॉक्टर ने। लेकिन क्या पता उनसे पहले ही किसी और का मृत्यु हो जाए जिसको डॉक्टर ने बोला भी नहीं है, अकस्मात ऐसा होता है। हमारे पास ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है आसपास देखने को कि अकस्मात किसी का मृत्यु हो जाता है। लेकिन हमें हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। किसी को अगर डॉक्टर ने बोल भी दिया कि आपके पास इतना ही महीना है, तो उसको भी पॉजिटिवली लेना है कि बाकी लोगों के पास तो इन्विटेशन देकर नहीं आते हैं मृत्यु, लेकिन मेरे पास इतना समय है, अब मैं प्लान कर सकता हूँ कि मेरे जाने से पहले मुझे क्या क्या करना है। तो फिर प्लान करते हैं कि, और सबसे बेस्ट प्लानिंग है जो परीक्षित महाराज एग्जाम्पल से बताते हैं कि जो परम वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव भक्त है, उनके पास जाके मृत्यु के समय क्या करना चाहिए ताकि जो हमारा नेक्स्ट बर्थ है वो सुधर जाए और या हम भगवत धाम चले जाए, तो उसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। और ऐसे प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवत भक्ति में, जो एटलीस्ट इतना समय तो लगा सकते हैं ना, कोई जैसे भक्ति में नहीं भी थे पहले और अकस्मात उनको पता चला कि उनके पास सिर्फ 2 साल है या कुछ महीना है, तो उतना समय एटलीस्ट वो भक्ति में लगाना चाहिए सीरियसली, सिंसियरली।
ये नहीं कि उस समय भी इंद्रिय तृप्ति करे, अच्छा मैं उस रेस्टोरेंट में खाना चाहता था, उस रेस्टोरेंट में खा लेता हूँ, मैं उस जगह पे घूमना जाना चाहता था, घूमने जाता, मेरा अंतिम इच्छा ये सब था, पूरा कर लेता हूँ, लेकिन उसमें तो समय नष्ट होगा। और अगर बाय चांस वो पूरा करने भी जाते हैं तो भी वो भक्ति करते हुए करें, ना कि भगवान को साइड में रख दें, इससे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना। इंद्रिय तृप्ति करते करते कोई मर जाएंगे तो 100% उनको नरक ही जाना पड़ेगा, यमदूतों का सामना करना पड़ेगा। कौन यमदूतों का सामना करना चाहते हो, दिखने में भी कितना भयंकर होते हैं, और नरक में तो हर समय पनिशमेंट मिलता है। इसलिए बेटर है कि जिनके पास ऐसा समय मिला है, नौक मालूम है इतना समय है, तो भक्ति में हमें बिताना चाहिए। और मृत्यु का इंतज़ार क्यों करें, हम जिस समय हम अभी अभी है, अभी आज से ही हमें भक्ति करना चाहिए और सीरियसली करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो सारे जीव जो है भगवान के अधीनस्थ है, जीव को भी ब्रह्मा शब्द यूज़ किया गया है, जीव अधीनस्थ ब्रह्मा है, ब्रह्मा, और भगवान जो है परम ब्रह्मा है। जैसे ही लोग इस तथ्य को भूल जाते हैं तो तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीनों तापों से उसी तरह ग्रस्त रहते हैं और तकलीफ में रहते हैं इस भौतिक संसार में, और बार बार जन्म लेना पड़ता है। भले ही हमारा मन लगे ना लगे, हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए, और इस तरह से जब हम मन को लगा कर रखेंगे, एक दिन हमारा मन लगना भी शुरू हो जाएगा। श्लोक नंबर 7, भवाय नस्त्वं भव विश्व भावना त्वमेव माता अथ सुहृत् पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च देवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। हे ब्रह्मांड के श्रष्टा, आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं, अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। तो भगवान से उनकी कृपा का आशीर्वाद हमें मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। भगवान ही हमारे सब कुछ है, भगवान सृष्टा है, वो माता पिता है, वो हमारे सबसे बेस्ट शुभ चिंतक है। कृष्ण से अच्छा और कौन अच्छा सोच सकते हैं हमारे लिए। प्रभु है और परम गुरु भी वही है, और सारे द्वारकावासी जो है कृष्ण को आराध्य देवता मानते हैं। तो वो लोग जानते हैं कि जो भी सफलता उनको मिली है उसका कारण भी कृष्ण है, और फिर भी वो लोग कृष्ण से ही प्रार्थना करते रहते हैं उनके आशीर्वाद के लिए, और ऐसा हमें करना चाहिए। तो ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। उत्तम जीव मतलब जो कृष्ण के शरणागत होते हैं, जो भौतिक चीज़ों में ना लगे रहकर भौतिक जगत में भी भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, वो उत्तम जीव कहलाते हैं। तो भगवान को क्योंकि वो लोग प्रार्थना करते हैं, तो उनके लाइफ के लिए भगवान खुद उनके लाइफ प्लानिंग करते हैं। इसलिए भक्तों के लाइफ में कुछ भी होता है तो कृष्ण की कृपा होता है। तो भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदुपदेश का पालन करें। कृष्ण ने भगवद गीता में क्या कहा है कि मेरे उपदेश का पालन करो और तुम्हारा अत्यंतिक कल्याण होगा। ऐसा करने से वे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाते हैं, सभी क्षेत्रों में। सभी क्षेत्र मतलब सभी क्षेत्र। जब हम कृष्ण के आदेश का पालन करते हैं, सफलता निश्चित है, ये चाबी है सफलता का। भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाए तो वे हमें सभी प्रकार से आशीर्वाद दे सकने में समक्ष हैं, जिनसे हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करना मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आपका कंपनी है और आपने जो उसका चेयरपर्सन है उसको ही प्रसन्न करके रखा है, ही इज इम्प्रेस्ड टोटली, तो फिर आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे अपने करियर में। सिमिलरली, ये तो एक छोटा सा भौतिक एग्जाम्पल है, लेकिन सिमिलरली आप सोचिए कितना भी भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, सब जगतों का स्वामी, एकमात्र स्वामी कृष्ण है। अगर हमने कृष्ण को ही प्रेम किया तो कृष्ण का प्रेम हम प्राप्त कर चुके हैं, तो
भौतिक आध्यात्मिक पूरी तरीके से हम सफल हो सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन ही वह अवसर है जिसमें ईश्वर के साथ हम नित्य संबंध को समझ सकते हैं। ये मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। तो हमें नित्य संबंध को समझने के लिए इसलिए समय देना चाहिए। उनसे हमारा संबंध सनातन है। ये सनातन संबंध तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे पति पत्नी में लड़ाई हो गया, डिवोर्स डिवोर्स हो गया, वो तोड़ा जा सकता है, लेकिन कृष्ण को हम डिवोर्स नहीं दे सकते। कृष्ण को डिवोर्स नहीं दे सकते क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। हम भले ही उनसे मुंह मोड़ लें, फिर भी हमारा संबंध तो रहेगा ही। हाँ, मुंह मोड़ने के कारण हमारा नुकसान जरूर हो जाएगा, भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। तो हमारा संबंध सनातन है, उसको ना तोड़ा जा सकता है ना विनष्ट किया जा सकता है। भगवान फिर भी हमारा ध्यान रखते हैं अगर हम उनको भूल भी जाते हैं, इसलिए तो खाना पीना रहना सब मिलता रहता है। लेकिन अगर हम काफी साल से या काफी जन्मों से भगवान को भूले हुए भी है, लेकिन उसको जागृत किया जा सकता है श्रवण के द्वारा। रोज अगर हम भागवत श्रवण करें तो ऐसा संभव है। यदि हम देश काल के अनुसार सभी शास्त्रों में दिए गए उनके आदेशों का पालन करें तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। श्लोक नंबर 8। अहो सनाथा भवतास्मयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। वो लोग कहते हैं द्वारकावासी, ओहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है जो स्निग्ध चित्तवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्णा पांडवों का मदद करके कुरुक्षेत्र रण में हस्तिनापुर से द्वारका लौटे हैं और द्वारकावासी इतने खुश हैं कि कृष्ण का स्निग्धमय जो रूप है उसका दर्शन अब रोज होगा, क्योंकि भगवान का दर्शन तो स्वर्गवासियों के लिए भी दुर्लभ है। केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, अपितु ये भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व है जिन्हें भक्तिमय सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है और स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश, जो भगवान विष्णु है वो कृष्ण का ही पूर्ण अंश है, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर वेट करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जहाँ भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। तो ये क्षीर सागर तथा श्वेत द्वीप ग्रह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिकृतियां हैं। इस श्वेतद्वीप में ना ब्रह्मा जी प्रवेश कर सकते हैं तो बाकी देवताओं का तो कहना ही क्या, नहीं प्रवेश कर सकते हैं। अपितु वो क्षीर सागर के तट पर खड़े रहकर श्रुद्ध कषाय विष्णु को अपना संदेश संप्रेषित कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसलिए उनको भी कभी कभी ही भगवान का दर्शन हो पाता है। लेकिन द्वारका के निवासी इतने सौभाग्यशाली है, इतने शुद्ध है कि भगवान का साक्षात दर्शन उनको नित्य होता है। तो ये जीवों की असली स्थिति है और भक्तिमय सेवा के द्वारा अपनी स्वाभाविक तथा आध्यात्मिक जो स्थिति है हमारा, उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक नंबर 9। यर्हि अम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरुन् मधुन्वाथ सुहृद्दिदृक्षया तत्राब्दकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तव्याच्युता। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं
तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती है मानो सूर्य से बिछुड़ गई हो। तो इसमें इस श्लोक में हमें द्वारका वासियों का जो दर्द है कृष्ण के विरह में वो दिखाई पड़ता है। जैसे सूर्य नहीं हो तो अंधकार छा जाता है ना। आजकल तो जैसे लाइट्स है, लेकिन अगर लाइट्स भी नहीं है तो अंधकार छाया जाएगा, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से जब भगवान द्वारका छोड़कर कभी हस्तिनापुर, कभी वृंदावन, कभी मथुरा चले जाते अपने बाकी भक्तों से मिलने के लिए, तो द्वारकावासी को ऐसा ही अनुभव होता है, वो विरह में जलते हैं। हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा इंद्रिया जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है। हम भगवान को ऐसे ही नहीं देख सकते हैं, भगवान की कृपा होने पर ही हम देख सकते हैं। अब देखिए, हमारा जो आँखें हैं, हमारी आँखें जो है कंप्लीट नहीं है। अब सूर्य है तो दिख रहा है सब कुछ, लाइट है तो दिख रहा है, अब लाइट बुझ जाएगी तो नहीं दिखेगा। तो उसी तरह से जो है हमारे इंद्रिया ऐसे भगवान को नहीं देख सकते, उनकी जब तक कृपा नहीं होती है। हमारी आँखों का एक लिमिटेशन है, हमारे कान का लिमिटेशन है। देखिए, सेम शब्द हमारे कान को नहीं सुनाई देता लेकिन कुत्ते को सुनाई देता है। सेम गंध हमारे नाक को नहीं सुनाई दे सुन सकते लेकिन सुकर को सूंघने को सुन सकता है, कुत्ता भी सुन सकता है, लाइक दैट। तो सबके इंद्रियों का कुछ लिमिटेशंस है। हम इस लिमिटेड इंद्रियों से कृष्ण के बारे में एक्सपेरिमेंट करें, भक्तों भगवान के बारे में से साइंटिस्ट लोग करते हैं जो नास्तिक साइंटिस्ट है, तो ये संभव नहीं है। तो भगवान परम सत्य होने के कारण जो है वो सर्वशक्तिमान है और उनको जानना है तो हमें भी सत्य के प्रति सरेंडर होना पड़ेगा। सत्य मतलब कृष्णा, परम सत्य कृष्ण है। उनके बिना हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ है, अधूरा है और जीवन भी व्यर्थ है अगर कृष्ण जीवन में नहीं है तो। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, ऐसा होना चाहिए। भक्त को ऐसे द्वारका वासियों को लगता था कि सब शून्य है, कृष्ण ही नहीं है तो जैसे रौनक ही नहीं है ऐसा। तो कृष्ण द्वारा विकीर्ण प्रकाश से भक्तगण सारी वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, इसलिए भक्त का जो दृष्टिकोण है वो क्लियर होता है, वो सही डिसीशन दे सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भक्त का होना बहुत कंपल्सरी है। हमें कुछ भी डिसीशन लेना है तो हम उनसे पूछ सकते हैं, वो हमें शास्त्रों के हिसाब से सलाह देंगे तो सही होगा। उनका बुद्धि खुली हुई है, स्पष्ट दिखता है उनको, भगवान की नज़र से वो देख सकते हैं कि भगवान को कैसा लगेगा अगर ऐसा होगा तो। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम सदा भगवान कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहें, जिससे हम अपने आप को विभिन्न शक्तियों समेत भगवान को देख सकें। तो हमेशा हमें भगवान से जुड़े रहना चाहिए, नहीं तो हमें माया झपट लेगी, पकड़ लेंगे। श्लोक नंबर 10। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्याखिलताप शोषणम् जीवेम ते सुंदर हास शोभितम् अपश्यमानावदनम् मनोहरम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः श्रृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्रावृषत् पुरम्। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्ट को दूर कर देती है, भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है और पिता थका हारा ऑफिस से आता है, लेकिन बच्चा का टोटली बोली वो देखते ही पापा आया करके गोदी में चढ़ जाते हैं, पापा को किस करता है, प्यार करता है, पापा बहुत थक गए मैं आपको पानी दूँ, लाइक दैट उसको मम्मी ने सिखाया होता है, तो पापा का सारा थकान दूर हो जाता है।
सिर्फ बच्चा बच्चा को देखने मात्र से। तो क्योंकि उसमें प्रेम है और बच्चे बच्चे का जो है कोमल मुखमंडल और इतना क्यूट और इनोसेंट, और उसका बच्चा है लाइक दैट, उनका बच्चा है। तो आप सोचिए, एक पिता को अपने बच्चे के बच्चे को देख कर ही थकान दूर हो जाती है। ऐसे माता है, कई सारी माता है जो वर्किंग है और बच्चे घर में रहते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मम्मी ऑफिस जाती है। जब मम्मी आती है तो मम्मी कितनी थकी होती है, फिर भी बच्चों के लिए सारा काम करती है और फिर सोती है। सुबह फिर बच्चों के लिए जल्दी उठ के उनको स्कूल भेजने की तैयारियाँ करती है। क्या वो नहीं थकती है? क्या वो मशीन है? नहीं, लेकिन प्रेम है वहाँ पे। प्रेम उनके लिए वो ड्राइविंग फैक्टर है, उनको उत्साह प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार से ये तो एक भौतिक रिलेशन के प्रेम के बारे में हमने डिस्कस किया। तो सोचिए, भौतिक जो लव है उसमें इतना शक्ति है, तो आध्यात्मिक जो जीवन है उसमें कितना होगा? जो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो सनातन है, उसमें कितना होगा? जब हम रियलाइज करेंगे हमारा ओरिजिनल जो पोजिशन है भगवान के अंश के रूप में। तो इसलिए ये जो द्वारकावासी है वो कहते हैं कि आप जब चले जाते हैं तो आपके मुख हम नहीं देख पाते, क्योंकि आपके मुख को देख के ही जो है हमारा सारा कष्ट दूर हो जाता है, आपके बिना हम रह नहीं सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। तो ये बहुत बड़ा वो है, एग्जाम्पल है कि भगवान जो है कितने दयालु है। जैसे अगर भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त कर जाते तो बहुत पफ्ड अप हो जाते हैं, वो अपने कई बार चाहने वालों को भी अभिनंदन करना भूल जाते हैं, ये सो फेमस लाइक दैट। लेकिन कृष्णा एक एक का अभिनंदन स्वीकार किया, एक एक को सम्मान करते हैं भगवान। तो ऐसा ही हमें सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में हमें ऐसा सदाचारी बनना चाहिए कि लोगों के अभिनंदनों को नेग्लेक्ट करना या उनको हर्ट करना, इससे हम दूर रहे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने के बाद उनके लिए बिच्छू सह पाना कठिन होता है, लेकिन इस विरह में भी बहुत आनंद है। क्यों बिच्छू को या विरह को सह पाना क्यों कठिन होता है? क्योंकि हम उनसे उसी तरह शाश्वत रूप से संबंधित है जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से संबंधित होती है। जब एक पुत्र पुत्र माता की दृष्टि से दूर हो जाते हैं तो माता को दुख होता है, या पत्नी पति से या पति पत्नी से अगर उनके बीच में बहुत प्रेम है तो उनका विरह संभव नहीं है उनको सह पाना। और सोचिए, जो ये सनातन काल से हमारा रिश्ता है कृष्ण के साथ, जब हम इसको अनुभव करेंगे तो कितना विरह होगा कृष्ण से नहीं मिलने का। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से संबंधित होती है, सूर्य की किरणें सौर विकिरण के आण्विक अंश हैं। इस तरह सूर्य और सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता, ये सूर्य अलग और सूर्य का रोशनी अलग, सूर्य है तभी सूर्य की रोशनी है। इसी प्रकार सारी जीव जो है भगवान के अंश है, जीवात्मा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता जिस सूर्य और सूर्य की रोशनी को। बस हमारे आंखों में भ्रामक शक्ति यानी माया का आवरण के कारण हम भगवान को साक्षात नहीं देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही आवरण हट जाता है, जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तो सारे कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्ट को हटाना चाहता है, कौन नहीं चाहता? कौन चाहता है कष्ट में रहे? मान लीजिए आपके बॉडी में पेन है, आप चाहते हैं कि पेन रहे? नहीं, हम नहीं चाहते। मन में टेंशन, हम चाहते हैं टेंशन में रहे। लोग बोलते टेंशन मत लो, अरे लेने की बात नहीं है, अपने आप आता है। लेकिन हाँ, कई बार लेने की बात भी है कि हम उसी चीज को जो है हटाकर हरि नाम पर ध्यान देने की बजाय उसको होल्ड करके रखा है। हारू आएगा, मन में तो बहुत सारे विचारे आएंगे, लेकिन हमें उसे एंटरटेन ना करके अगर हम हरि नाम पर ज्यादा ध्यान दें तो फिर हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्ट को हटाना चाहता है, लेकिन हम नहीं जानते इन्हें किस प्रकार हटाया जाए। यहाँ पर इसका समाधान दिया है। और क्या समाधान है?
कि भगवान के प्रति समर्पित होकर इन कष्टों को हटाया जा सकता है। श्लोक नंबर 11, मधु भोज दशारहारः कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलिर्गुप्तम नागिर्भोगावतीमिव। जिस प्रकार नागलों की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृक्ष के वंशजों भोज मधु दशारह अरह कुकुर अंधक इत्यादि द्वारा की जाती है। तो नागलोक जो है पृथ्वी लोक के नीचे स्थित है और नागलोक में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। नागों के सिरों पर मणि है, वहां के नागों के, तो उस सिरों की मणि से ऐसा ही रोशनी जैसे सूर्य की रोशनी एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर रोशनी मिलता है। तो भगवान सबके लिए बंदोबस्त करते हैं ना। एक्चुअली पृथ्वी के नीचे जो लोक है वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, पृथ्वी तक ही और ऊपर के लोकों में पहुंचती है, लेकिन नीचे के लोग नाग लोक के जो नाग मणि है उससे रोशनी पहुंचती है उनको। और नागों के भोग विलास के लिए नागलोक में सुंदर उद्यान है, सरोवर है, और वहाँ पे जो नागरिक है वो नागों के द्वारा अच्छे से रक्षित है, सुरक्षित है। तो इस प्रकार जो वृष्णि वंश है, भले ही कृष्ण कई बार जाते हस्तिनापुर या बाहर, तो बहुत सारे वृष्णि वंश है जो उतना ही शक्तिशाली है, कृष्ण के ही समान शक्तिशाली प्रभुपाद कहते हैं। तो इसलिए उनके द्वारा द्वारका हमेशा रक्षित रहता था, इसमें कोई डर की बात नहीं थी। सारे रानियां सुरक्षित, सारे बच्चे सुरक्षित, सब लोग, क्योंकि इतने बलवान लोग रहते थे वहां। श्लोक नंबर 12, सर्वर तु सर्व विभव पुण्य वृक्षालताश्रमे उद्यानो पावना रामेर वृत पद्माकर श्रियम। और द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं में ऐश्वर्य से पूर्ण थी। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ ठंड के मौसम में पत्ते जड़ जाते हैं या